सिग्मा बॉय की रियलिस्टिक कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू लाइफ मोटिवेशनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनने के बाद आप खुद को पूरी तरह से बदलने की सोचने लगेंगे और एक सच्चे सिग्मा बॉय बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये कहानी है विक्रम की, जो एक छोटे से शहर से था। विक्रम शुरू से ही थोड़ा अलग था। जहां उसके दोस्त पार्टियों, सोशल मीडिया और ग्रुप एक्टिविटीज में खोए रहते थे, वहीं विक्रम हमेशा खुद के विचारों में खोया रहता था। उसे बड़ी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं था। उसकी दिलचस्पी कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से मजबूत बनाए। कॉलेज के दिनों में भी विक्रम ने अपनी इस सोच को बनाए रखा। दोस्तों ने उसे कई बार ताने मारे कि वह ज्यादा मिलनसार नहीं है, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन विक्रम को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे हमेशा यही लगता था कि असली सफलता खुद की पहचान बनाने में है, ना कि दूसरों की स्वीकृति पाने में। कॉलेज के दौरान विक्रम ने अपने खर्चे खुद उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। वह दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। जहां उसके दोस्त पेरेंट्स से पैसे मांगते रहे थे, वहीं विक्रम अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में जुटा था। उसकी इस आत्मनिर्भरता ने उसे आगे बढ़ने में काफी मदद की। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है, किसी ग्रुप में फिट नहीं होता। विक्रम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं खुद के रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं। यह विक्रम का स्वतंत्र सोचने का तरीका था। वह दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं रहता था। उसे विश्वास था कि वह अपने फैसले खुद कर सकता है और वही उसके लिए सबसे सही होगा। विक्रम की जिंदगी में एक और खासियत थी, वह अपनी निजी जानकारी और भावनाओं को किसी से शेयर नहीं करता था। जहां लोग अपनी हर बात सोशल मीडिया पर डालते थे, वहीं विक्रम ने खुद को सीमित रखा। उसने अपनी प्राइवेसी को महत्व दिया और इससे उसे मानसिक शांति मिली। विक्रम ने कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। चाहे आर्थिक समस्याएं हों या सामाजिक दबाव, विक्रम ने हमेशा संयम बनाए रखा। उसकी मजबूत पर्सनैलिटी ने उसे हर कठिनाई में धैर्य और साहस से लड़ने में मदद की। विक्रम ने कॉलेज के बाद अपनी एक कंपनी शुरू की। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे असफल कहा, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसे स्वतंत्रता से काम करने की चाह थी और उसने इसी विश्वास के साथ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। विक्रम ज्यादा सोशलाइजिंग में विश्वास नहीं रखता था। उसके कुछ ही दोस्त थे, लेकिन वे दोस्त सच्चे और गहरे थे। वह बिना भीड़ का हिस्सा बने अपनी जिंदगी में खुश था और मानसिक रूप से संतुलित था। विक्रम ने कभी दूसरों से तुलना नहीं की। उसने हमेशा अपने कौशल और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया। उसने अपने करियर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज वह एक सफल बिजनेसमैन है, जो भीड़ से हटकर अपनी पहचान बना चुका है। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि सिग्मा बॉय बनने के लिए जरूरी है कि आप भीड़ का हिस्सा न बने, खुद के फैसले खुद करें, आत्मनिर्भर बने और हमेशा अपनी निजता और स्वतंत्रता को महत्व दें। सिग्मा बॉय की पहचान उसकी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और दूसरों से अलग चलने की क्षमता में होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी विक्रम की तरह अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने का सोच रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल न्यू लाइफ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।